हे गाइस, कैसे आप दोस्तों? मैं योगेश पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ एल फ्यूनिक। गाइस, आप में से बहुत ढेर सारे बच्चे जब से बिग बिलियन डे चल रहा है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए पड़े हैं कि सर कौन सा लैपटॉप लूँ बिग बिलियन डे में। डेफिनेटली कई लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप शॉपिंग करो, बट अगर किसी के पास किसी को BIM सीखना है, किसी को स्ट्रक्चर सीखना है, तो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो इस समय जो प्राइस मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है। मैंने प्राइस को एनालिसिस करके जो सबसे बेस्ट लैपटॉप थे, जिन लैपटॉप को ऑलरेडी जिनके सीरीज को या तो मैंने यूज किया है, तो मेरी टीम ने यूज किया है, वो या मेरे कोई दोस्त ने यूज किया है, वही लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसलिए आप चाहे तो इस रिकमेंडेशन को ले सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस है, जो मैंने बैठ के लगभग आधे घंटे तक देखा कि यार किसका प्राइस कम है और ये कब इसका मैक्सिमम प्राइस कितना था, वो सब एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लस आपको अगर लैपटॉप लेना है अभी या फिर इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो कि हाँ यार ये लैपटॉप सर ने बोला था अच्छा है। ये लैपटॉप मैं उनके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जो लोग BIM या स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिसका रेंज जो है वो 40 से 60 के बीच में है। कई लोग बोलेंगे सर मैं तो 1 लाख का लेना चाहता हूँ, डेफिनेटली आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। कई लोग बोलना चाहेंगे सर मैं 40 के अंदर लेना चाहता हूँ, मत लो। 40 के अंदर अगर आप लैपटॉप लोगे तो प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि सॉफ्टवेयर ही सही से रन नहीं करेगा। विदाउट ग्राफिक्स कार्ड अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया है, ठीक है, उनको तो एक एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह का पैसा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ किसी भी तरीके के कोई एक एफिलिएट मार्केटिंग नहीं और न ही मुझे उसकी नीड है, इसलिए मैं आपको जो प्रॉपर लैपटॉप है जिनको मैं यूज कर रहा हूँ गाइस, उन्हीं को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो बस हाँ, मेरी अपीलेट बस इतनी सी है कि आप इसको शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि काफी लोगों का भला हो जाए। कोई गलत लैपटॉप ले लेगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक मिडिल क्लास में लैपटॉप लेना एक बड़ी चीज आती है, जस्ट लाइक अ बाइक, तो सोच समझ के लेना। जो लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ वो HP पवेलियन का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ऑलरेडी इसी लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, इसी लैपटॉप से आप सबको क्लासेस भी देता हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप सीखते हो इसी लैपटॉप से, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स भी जो मुझे करना होता है इसी लैपटॉप से ही करता हूँ, बट इसी का जो हाईएस्ट वर्जन है उस पर करता हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा, वो लगभग 1 लाख के आसपास आएगा। अभी आप सीखने चल रहे हो, ठीक है, इसमें आराम से प्रोजेक्ट भी करके दे सकते हो। 8 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि एक बिगनर के लिए बोलो या फिर एक प्रो लेवल के भी इंसान के लिए पर्याप्त होता है। 4.4 का इसका रिव्यू है, ठीक है, ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये गेमिंग लैपटॉप है, तो इसमें बस एक ड्रॉबैक होता है, पहले से क्लियर कर दूँ, एक ड्रॉबैक होता है कि इनका जो बैटरी बैकअप होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल लैपटॉप। क्यों? क्योंकि इसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, फैन वगैरह होता है, बट रन बहुत अच्छा करता है। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन यही रहेगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, HP पवेलियन का। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जा सकते हो। टेलीग्राम जो अपना यूनिक सिविल का है उस पर भी दे दूंगा, आप अपना यूज कर सकते हो। तो पहला लैपटॉप मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हाँ, इस समय बिग बिलियन डे चल रहा है, सबको पता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्राइस ग्राफ को प्रॉपर विजुलाइज करके जो इस समय सबसे कम इस समय प्राइस चल रहा है, इससे पहले कभी ये प्राइस नहीं था। नॉर्मल प्राइस इसका रहता है 60,000 रुपये और इस समय इसका प्राइस कितना दिखा रहा है, 48,000 रुपये, लगभग 12,000 रुपये आपके सेव हो रहे हैं। ये मैंने एनालिसिस करके ही सारे लैपटॉप आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला लैपटॉप मैं ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। दूसरा लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप गेमिंग नहीं चाहते हो, ठीक है, तो MSI भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक। एक केस मुझे मिला था MSI में, इसलिए पहले से क्लियर कर दो। हाँ, जिन लोगों के पास वो क्रेडिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड का अरेंजमेंट कर लो, जैसे कि ICICI का क्रेडिट कार्ड अरेंजमेंट कर लिए, तो लगभग 1500 रुपये इसके ऊपर और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। किसी के पास किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और आराम से आप उसके क्रेडिट कार्ड पर इसको ले सकते हो। लगे तो उसको 500 दे दो, भाई 500 ले लो, 1000 रुपये तो मेरा तभी ऑफर है ना। तो क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर लोगे तो लगभग ये तुम्हें 1500 रुपये और कम हो जाएगा 48 में से, तब समझ जाओ कि तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है। दूसरा लैपटॉप जो है ये, अगर आपका मन नहीं है गेमिंग लैपटॉप लेने का, नॉर्मल लैपटॉप लेना है, तो ये ले सकते हो, ठीक है। इसमें भी लगभग सारी ही चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन MSI एज कम्पेयर टू HP मैं रिकमेंड करता हूँ HP को, देखो पहली फ्रेंकली, ठीक है। लेकिन हाँ, कई लोगों ने बोला नहीं सर MSI अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। इसके अलावा मैंने सारे मैक्सिमम HP यूज किए हुए हैं यहाँ पर, और एक Acer का भी है। HP में ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, और लगभग वही सीरीज है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई है, ठीक है, तो अगर आपको ये भी देखना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैक्सिमम देखना चाहिए कि आपको i5 होना चाहिए कम से कम, 8 GB रैम के नीचे नहीं लेना चाहिए अगर आप BIM या फिर स्ट्रक्चर्स के लिए सीख रहे हो। और उसके अलावा कोशिश करो कि अगर SSD मिल जाता है आपका, तो स्पीड बढ़ जाती है, जैसे ऑन होता है ना ऑफ होता है लैपटॉप, तो स्पीड बहुत अच्छी होती है जब SSD रहता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप SSD को देखिए।
एक लैपटॉप और मैं रिकमेंड करूंगा आपको इसी सीरीज का, ठीक है, राइजन का। इसको इसलिए सीरीज कर रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट सेलर पे चल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके रिव्यू भी सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो आप इस लैपटॉप को अगर यूज़ करते हो, फोर्थ नंबर पे इसका लिंक रहेगा, सबका नंबर वाइज दे दूंगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन तो आप बोलोगे सर और क्यों रिकमेंड किया आपने, और इसलिए रिकमेंड किया कि कुछ जगहों पर कुछ लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो इसलिए आप उसमें से ऑप्शंस देख सकते हो। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, SSD इसके अंदर, 8 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, तो मतलब जो जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें। तो ये मेरा फेवरेट लैपटॉप है और आई थिंक आपको इसको प्रीफर करना चाहिए। एक MSI का एक और लैपटॉप है जिसपे ऑफर अच्छा चल रहा है और उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है, और इसका प्राइस ग्राफ भी काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से मैंने इसको रिकमेंड किया आपको, और बेस्ट वैल्यू भी बताया जा रहा है, और रिव्यू मैंने पढ़े इनके, ठीक है, MSI मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन रिव्यू मैंने पढ़े उसके हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, अगर रिव्यू सही है तो डेफिनेटली सही होगा। और इसके बाद एक है HP का, HP का ये विक्टर सीरीज, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर आपको गेमिंग लैपटॉप पसंद नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको बैटरी बैकअप गेमिंग लैपटॉप के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, इस पर भी ऑफ है, और इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है वो चला रहा है, तो उसने रिकमेंड किया था, तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप जो इस समय बहुत ज़्यादा छाया हुआ है वो एसर का है, ठीक है, बहुत लोगों ने लिया है, एक्चुअली वो अच्छा लैपटॉप भी है, ठीक है, वो नहीं एसर का, सॉरी आसूस का है, ठीक है, आप सब ने देखा होगा इस लैपटॉप को, ठीक है, ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है और इस समय इसका प्राइस बहुत कम हुआ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स टाइम, और ये भी मेरा स्टूडेंट चलाता है तो उसके हिसाब से मैंने रिकमेंड किया हुआ है, और प्राइस आप देखेंगे शायद इसका प्राइस एनालिसिस नहीं दिखा रहा है, इसकी प्राइस भी बहुत सही है, 512 GB SSD है, आई थिंक सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर देने वाला अगर कोई है तो वो आसूस है, ठीक है, तो आप इसको भी रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, आप आराम से यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लास्ट लैपटॉप है एसर का, ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं, इसके फीचर्स मुझे सही लगे, 4 GB रैम मिल गया, 8 GB ग्राफिक्स कार्ड मिल गया, ठीक है, और NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड जो कि अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होता है, गेमिंग लैपटॉप है ये, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो मैंने लगभग 5 से 6 लैपटॉप दिया आपको, इससे ज़्यादा भी आपको रिकमेंडेशन दे सकता था, बट आप कन्फ्यूज हो जाते, तो मैंने सोचा कि वो रेंज दूँ जो रेंज सभी अफोर्ड कर सके, लगभग 48,000 के आसपास ये जा रहा है, 48 के आसपास ये जा रहा है, ठीक है, 60 ये मैक्सिमम सबसे महंगा वाला आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके अलावा सारे लैपटॉप बहुत ही बजट में, ठीक है। और अगर आप बोलोगे सर हाईली रिकमेंडेड आप कौन सा करोगे, तो हाईली रिकमेंडेड भाई मैं ये करूँगा, ठीक है, फोर्थ नंबर पर लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले लो, ठीक है, ये हाईली रिकमेंडेड करूँगा। इसके बाद अगर आप बोलोगे सर इतना मेरा बजट नहीं है, थोड़ा और कम में आप इसको ले सकते हो, आसूस वाले को। ये रही मेरी रिकमेंडेशन और ये मेरी गारंटी है कि बीम के सारे सॉफ्टवेयर में रन करेंगे, स्ट्रक्चर्स के सारे सॉफ्टवेयर रन करेंगे, दूसरी इंडस्ट्री का मुझे उतना नहीं पता, बट मेरी इंडस्ट्री का मैं कंफर्म हूँ कि ये लैपटॉप आपके लिए अच्छे हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जो लोग भी बिग बिलियन डे में लेना चाह रहे हैं या फिर कहीं से ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं, कहीं से भी ले अपने को क्या, बस आप लोग में से कई सारे लोग व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कौन सा लूँ, तो मैंने सोचा यार अलग अलग बताने से अच्छा एक साथ सबको बता देता हूँ, डेफिनेटली उससे सबका भला हो जाएगा। और लास्ट में डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको एक गिफ्ट भी हमारे तरफ से है, गिफ्ट ये है कि अभी अपना जो यूनिक्स सिविल ऐप है उस पर स्ट्रक्चर्स का पूरा कोर्स या फिर बीम का पूरा कोर्स जिसपे हैप्पी नवरात्रि 9 दिन का माता रानी के कृपा से 9 दिन का आपके लिए ऑफर है, ठीक है, आप जाके इस ऑफर को भी यूज कर सकते हो, डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि सर के ऐप पर मतलब यूनिक्स सिविल ऐप पर एक तरीके से ऑफर चल रहा है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दो, जिससे कि अगर आप और भी किसी टॉपिक पर चाहोगे सर इस पर भी थोड़ा रिसर्च करके बताइए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, और बिलीव करिए वही बताऊंगा जो जेन्युइन होगा, ठीक है, यहाँ पर किसी का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, जो राइट है वो राइट बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, और साथ ही साथ अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको यूनिक्स सिविल ऐप से कंटेंट मिल जाएगा, सफिशियंट है, ऑल इन वन, जिसने पढ़ लिया स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, इसका भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कैसे कर सकता है, जिसने बीम सीख लिया वो बीम का इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। अब बोलोगे सर जॉब की ओपनिंग कहाँ मिलेगी, तो अपना चैनल है जॉब्स गाइड करके, क्या जॉब्स गाइड करके चैनल है जिसपे अभी हम लोग रेगुलर एक एम्प्लॉई रख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसकी वेबसाइट भी बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ, तो हमारा लोग आपको आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा इसका वेबसाइट भी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ सर ऐसे ढेर सारे आप मुझे थोड़ा बताइए कहाँ कहाँ पर जॉब चल रही है, तो ये अपना चैनल है यार, मेरे को सर्च करना पड़ रहा है क्योंकि अभी जस्ट याद आया कि हाँ यार आप लोग के लिए यूजफुल हो सकता है, तो जॉब्स गाइड पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, जय हिंद जय भारत।